रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल दिन के समय में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं कर अनुराग के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। धूमल ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर पर आरा मशीनों को बंद करवाने के आरोप लगाने के बयान दिए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में पूर्व सीएम धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल दिन के समय दर्जनों नुक्कड़ सभाएं कर अनुराग के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। धूमल ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर पर आरा मशीनों को बंद करने का आरोप लगाते हुए बयानबाजी की है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर वर्ष 2006 में वन मंत्री थे और उस समय सैकड़ों लोगों के आरा मशीनों को बंद करवाया था, जिसे बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाने के बाद बंद आरा को खुलवाया था। उसके उम्मीदवार है वो 2006 में वन मंत्री थे और हमीरपुर जिला के 363 आरे बंद हुए थे। 363 घरों की रोटी बंद हो गई और लोग लकड़ी उठा के दूर दूर ले जाके चुनाने के लिए जाते थे। 2007 के अंत में आपने सरकार बनाई, हमारी सरकार बनी, हमने आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट से विशेष इजाजत लेके हमीरपुर जिले के 363 आरे शुरू कराए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू कराए थे। धूमल ने कहा कि 23 मई का इंतजार पूरी दुनिया को है, क्योंकि दुनिया जानना चाहती है कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि ये लोगों को तय करना है कि आखिर देश में विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों की सरकार चाहिए। 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव 23 मई के नतीजों का इंतजार केवल आपको हमको नहीं है, केवल हिंदुस्तान की जनता को नहीं है, दुनिया की नजरें लग रही हैं हिंदुस्तान पर कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी, कैसी सरकार आएगी, क्या जो विकास का रास्ता मोदी ने दिखाया उसमें चलते रहेंगे, क्या जो सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो सेना की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा करते हैं, उनकी सरकार आएगी और सेना कमजोर होगी, देश कमजोर होगा।